AIS द्वारा शुरू की गई आजादी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कहानी श्रृंखला में आज की कहानी है पार्वती गिरी की, जिनका योगदान स्वतंत्रता में ही नहीं स्वतंत्रता के बाद भी रहा। 1926 को ओडिशा के सामली पादर गांव में उनका जन्म हुआ। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी पर 11 वर्ष की ही आयु में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वो अपने चाचा रामचंद्र गिरी के साथ अक्सर कांग्रेस की बैठकों में जाया करती थी। देशभक्ति और जनसेवा के भाव को देखते हुए कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने उन्हें कांग्रेस से जुड़ने का प्रस्ताव दिया और पिता की आज्ञा पाकर वो इस काम में जुट गईं। शुरुआत में वो गांधी जी के खादी वाले विचार पर चलीं और लोगों को चरखा चलाना सिखाने लगीं। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पार्वती भी इस आंदोलन में कूद पड़ीं। वो झंडा लेकर बाणगढ़ कोर्ट में गईं और वकीलों को कोर्ट छोड़ने का आग्रह किया और सरकार के किसी भी काम में सहयोग न देने की बात कही, और जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया उनको एक एक गुच्छा चूड़ियां भेंट की उनकी कायरता का एहसास उन्हें कराने के लिए। एक अन्य रोचक घटना उन्होंने तब की जब वो कुछ लड़कों के साथ एक SDO के दफ्तर में पहुंच गईं और SDO की कुर्सी पर बैठ गईं। जब SDO अंदर आया तो वो कुर्सी से हटी नहीं और एक जज की तरह लड़कों को आदेश दिया कि SDO को रस्सी से बांध कर मेरे सामने लाओ, एक मुजरिम की तरह। और लड़कों ने ऐसा ही किया। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उन्हें 2 साल की सजा हुई। उनके इस निर्भीक अंदाज ने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, लेकिन वो जितनी कठोर थीं उतनी ही नर्म दिल वाली भी थीं। जब ओडिशा में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपनी जी जान एक कर दी लोगों को भोजन और पानी पहुंचाने के लिए। उन्होंने अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों का इलाज भी किया और उनकी सेवा की, और इस तरह से पार्वती गिरी बन गई ओडिशा की मदर टेरेसा। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।